श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गोरहरी सरकार वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार
श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फल स्वरूप श्री धाम वृंदावन में आश्रम श्री गौर कृपा धाम में विराजमान होकर संकीर्तन साधना करने का सौभाग्य हमें आपको प्राप्त हो रहा है, जिसमें आज संकीर्तन साधना का 22वां दिवस है। वेणुनाद करते हुए गिरिराज शिखर पे राधा नाम गाते हुए श्याम सुंदर का दर्शन किया गया और अंत में सेवा अभिलाषा पर ही सब बात पूरी होती हैं। तो सेवा अभिलाषा व्यक्त की गई। आज संकीर्तन साधना में साधक अपना एक भरोसा व्यक्त कर रहा है, एक निश्चय व्यक्त कर रहा है कि मेरो मन कहत एक दिन प्यारे प्यारी के संग आमेंगे। मेरो मन कहत, श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में 9 अनुभावों का वर्णन करते हैं। उन 9 अनुभावों में एक अनुभव है आशा बंध। आशा बंध का अर्थ होता है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में ये निश्चय न छोड़ना, ये आशा न छोड़ना कि इसी जन्म में, इसी देह में रहते मुझे श्यामा श्याम युगल सरकार का प्रत्यक्ष होगा। ये विश्वास, ये आशा, ये दृढ़ निश्चय बहुत उत्तम भजन है और भगवत भक्ति तो बहुत दिव्य ऊंची वस्तु है। विश्वास के बिना तो ये जगत भी नहीं चलता। हम लोग विश्वास ही रख के सब काम करते हैं, भले वो विश्वास पूरा हो या न हो, विश्वास से ही जगत चलता है। रात दिन सड़क पर दुर्घटना हो रही हैं, रात दिन अखबार में न्यूज़ चैनल पर खबर आती हैं, ये दुर्घटना हो गई, वो दुर्घटना हो गई, पर हम लोग ये तो नहीं सोचते ना कि सड़क पर इतनी दुर्घटना हो रही हैं, हम भी कहीं सड़क पर निकलेंगे तो हम भी दुर्घटनाग्रस्त न हो जाएं, ऐसा तो नहीं सोचते। अगर ऐसा सोचें कि दुर्घटना न हो जाए, कहीं दुर्घटना हो जाए, तब तो निकल ही न पाए, कहीं जा ही न पाए, कुछ कर ही न पाए। तो इतनी दुर्घटनाओं की खबर सुनते हैं फिर भी सोचते हैं हमारे साथ नहीं होगी, चलो भैया काम पर चलो, चलो यात्रा पे चलो, चलो घूम फिर के आओ। लेकिन चारों ओर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एक विश्वास के साथ हम जीते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। प्रतिदिन सवेरे इसी विश्वास से उठते हैं कि आज का दिन शुरू हुआ, आज ये काम करूंगा, लेकिन उसी दिन में कितने लोग प्राण भी छोड़ते हैं। लेकिन विश्वास के साथ ही हम जीते हैं, विश्वास के साथ ही भोजन करते हैं,
विश्वास के साथ ही काम करते हैं। अरे ये भी तो पता नहीं अभी जो सांस छोड़ी है उसको दोबारा ले पाएंगे कि नहीं। जिस दिन सांसों की पूंजी पूरी होगी तो एक सांस ले रहे होंगे, दूसरी सांस छोड़ रहे होंगे, पर तीसरी को ले नहीं पाएंगे। बीच में ही वो आने जाने का चक्र टूट जाएगा। लेकिन इतने पर भी हर सांस में हमको जीवन की आस है। आस और विश्वास के बिना जीवन नहीं चलता। तो जब जीवन नहीं चलता, छोटा सा व्यापार नहीं चलता, परिवार नहीं चलता, तो भैया इस दिव्य भक्ति मार्ग पर, इस अध्यात्म राज्य में, इस साधना के राज्य में किसी की गति प्रगति कैसे हो सकती है? तो विश्वास ही आधार है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरित मानस में उत्तरकांड में लिखते हैं कि बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपने हूँ जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं है, और भक्ति के बिना भगवान द्रवीभूत होते नहीं हैं, और बिना भगवान के द्रवीभूत हुए कृपा प्राप्त नहीं होती, और बिना भगवत कृपा के जीव को विश्राम प्राप्त नहीं होता। तो बंधुओं, विश्वास मूल है। जब जगत नहीं चलता तो भक्ति कैसे होगी? आज इस संकीर्तन साधना के 22वें दिवस में साधक एक निश्चय पर पहुंचा है। एक निश्चय व्यक्त किया जा रहा है कि मेरो मन कहत। सबका मन नहीं कहता, किसी का मन तो कहता है चलो चलो सिनेमा देख के आए, किसी का मन कहता है चलो विषय सेवन करें, किसी का मन कहता है चलो किसी के धन छीनने की योजना बनाएं। लेकिन एक साधक कौन है, एक वैष्णव कौन है, एक प्रेमी कौन है जिसका मन कहता है कि एक दिन प्यारे प्यारी आएंगे, मुझे करुणा करके अपनाएंगे, मेरी पुकार को सुनेंगे, मेरे सिर पर अपना कर कमल फेरेंगे, मुझ गिरते डूबते को भुजा पकड़कर उठाएंगे, अरे मुझे देखकर मुस्काएंगे, मुझे मधुर मधुर श्याम सुंदर वेणुनाद और प्रिया जी का दिव्याति दिव्य नूपुर का नाद सुनने को मिलेगा। ऐसा दिन होगा जब उनको देख करके उनकी रूप माधुरी का पान करते करते गल गल के मेरे प्राण बहने लग जाएंगे। अवश्य एक दिन ऐसा होगा। मैं उसी दिन को सार्थक मानूंगा, मैं अपने उन्हीं आंसुओं को सार्थक मानूंगा जब प्रिया प्रियतम अपने पीतांबर और चुनरी से मेरे अश्रुओं को पूछेंगे। मैं उसी दिन सच्चा सौभाग्य मानूंगा जब प्रिया प्रियतम मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने दिव्य देश में ले जाएंगे। मेरा उस दिन नया जन्म होगा जब प्रिया प्रियतम के नित्य निकुंज में मेरा वास होगा, सखी मंजरी के दिव्य देह से उनका सेवा सौभाग्य प्राप्त होगा। उस दिन ही मैं बलिहार होऊंगा जब वो मेरा नाम ले लेकर मुझे सेवा का कार्य बताएंगे। फिर तो उन्हीं की सेवा, उन्हीं के लाड़, उन्हीं के चाव, इस सुख में दिन रात निमग्न रहेंगे। पान की बीरी, कभी पुष्पों के हार, कभी ऋतु अनुकूल लाड़, बस इस रस में मैं कब निमग्न होऊंगा। भैया ये मन है ना,
ये किसी न किसी रथ पे सवार रहता है, इसलिए इच्छाओं को मनोरथ भी कहा जाता है। ये इनका मनोरथ था, ये उनका मनोरथ था, लेकिन वो मन की इच्छाएं अगर जगत से जुड़ी रहें तो उनको कामना और वासना कहते हैं, और वही मन की इच्छाएं आशाएं अगर राधा माधव से जुड़ जाएं, प्रभु से जुड़ जाएं, तो उन इच्छाओं को मनोरथ कहते हैं। और फिर ये मन का रथ हमको प्रिया प्रीतम के चरणों तक पहुंचा देता है। आज बहुत सुंदर मनोरथ है, जीवन में बहुत मनोरथ हैं, बहुत इच्छाएं हैं, बहुत आशाएं हैं। आज अद्भुत आशा है, आज अद्भुत विश्वास में भर के साधक अपने भाव का निवेदन कर रहा है। और बंधुओं, यही साधना है, यही साधना है। जब वो मिलेंगे तब तो मिलेंगे, लेकिन जब तक वो प्रकट रूप में नहीं मिले हुए, उनकी अनुभूतियां हमारे पास नहीं है, तब तक क्या करना है? तब तक भाव राज्य में डूबे रहना है। शबरी जी की कुटिया पे श्री राम तो एक ही बार आए ना, और जिस दिन आए उस दिन फिर श्री राम जा नहीं पाए, उससे पहले तो शबरी देह छोड़ के चली गई। लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि शबरी जी को एक ही बार राम दर्शन हुआ? ना ना ना, प्रगट रूप में रघुनाथ को शबरी जी ने भले एक बार देखा हो, पर भाव राज्य में, नाम की साधना में, गुरु आनुगत्य में शबरी जी की कुटिया पर प्रतिदिन राम आए हैं। प्रतिदिन शबरी जी ने बेरों का भोग प्रभु को लगाया है। नाम की साधना में उन्होंने नित्य नामी का अनुभव किया है, उन्होंने नित्य राम मिलन का अनुभव किया है। न तो शबरी इतना क्यों रोती, कैसे इतनी दीर्घ आयु, पद्म पुराण में वर्णन है 10,000 बरस बीत गए, कहां उनको धीरज होता? पर बिन विश्वास भगति नहीं तहि बिन द्रवहि न राम। उनका अटूट अखंड विश्वास, मानो भक्ति अगर एक दीप शिखा है तो विश्वास तेल है, घी है। विश्वास रूपी घी भरा रहे तो भक्ति रूपी शिखा जुड़ी रहेगी, और जब भक्ति रूपी अग्नि जुड़ी रहेगी, बंधुओं ये भक्ति रूपी अग्नि ही जीव के अनंत जन्मों के जो कुसंस्कार हैं, जो प्रारब्ध हैं, जो कर्म बंधन हैं, उनको क्षय कर देगी। और ये भक्ति प्रेम रूपी शिखा ही एक दिन श्यामा श्याम के हृदय को द्रवीभूत कर देगी। पर उस भक्ति रूपी दीप का जो घृत है वो विश्वास है। तो आज साधक, एक वैष्णव, एक प्रेमी प्रिया प्रियतम से अपना विश्वास व्यक्त कर रहा है, और उसको करते 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 फिर कितना कुछ सोच लेता है। ये पद बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। वैसे भी पूर्व में भी कभी कभी 2-4-5 पंक्ति गाते थे, पर आज संकीर्तन साधना में तो संपूर्ण पद का गान होगा। एक एक शब्द बहुत अमूल्य है, भावना से जुड़ करके इस विश्वास के साथ अवश्य कृपा होगी, मुझे साक्षात होगा। और जब साक्षात होगा तो क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, इस भाव में, इस पद कीर्तन में उसी का दिग्दर्शन है। आइए प्रेम राज्य में चलें, प्रिया प्रियतम के दिव्य प्रेममय भावना में डूबें और गाएं। मेरो मन कहत एक दिन प्यार
प्यारी के संग आमेंगे, प्यारी के संग आमेंगे। श्री Yeah.
कमल
संग आमेंगे। Yeah.
चितवन चपल नयन नियारे बिनु काजर के नैना कजरारे धरा में
अंबर प्यारी ले चुनरी प्यारो ले पीतांबर मेरे अखियन अश्रु सुखामेंगे मोते पूछेंगे तू काहे कुरो हरी ले पीतांबर मेरे आँखिन अश्रु सुखामेंगे तब का हाल होये गो मेरो तब का हाल Yeah.
वृंदावन ले जा मैं तब बड़ी मौज होएगी आली तब बड़ी मौज होएगी आली तब संग सुख पामेंगे गुरु सखी संग सुख पावेंगे हम सखियान संग सुख बसामेंगे जब वृंदावन ले जामेंगे और कही कही गौर दास दो प्यारे कही क
ककूप सों संग वृंदावन ले जामेंगे, तब बड़ी मौज होयगी आली, गुरु सखियन संग सुख पामेंगे, तब नाम सुयश लीला नित गावत, मोए कुंजन माझ बसामेंगे, कही कही गौर दास दो प्यारे, मोए सेवा काज बतामेंगे, मेरो मन के कहेंगे, नीर भरे लावोरी पीवाओ हमें आए धाए, नीर भरे लावोरी पीवाओ हमें आए धाए, अरे नीर भरे लावोरी पीवाओ हमें आए धाए, नीर भरे लावोरी पीवाओ हमें आए धाए, यो ले ले नाम सेवा काज बतामेंगे, और क्या कहेंगे, अरे माल गुथी लाओ पहराओ हर शाओ हमें, माल गुथी लाओ पहराओ हर शाओ, अरे माल गुथी लाओ पहराओ हर शाओ हमें, माल मंजरी कहे अनंग मंजरी कहे, गुरु मंजरी कहे, अरे माल गुथ लाओ पहराओ हर साओ इन्हें, माल गुथ लाओ पहराओ हर साओ इन्हें, अरे लाड़ लड़ाओ, अरे
लाओ हर साओ इने माल गुथी लाओ पहिराओ हर साओ पहराओ हर साओ इने सखी की आज्ञा से मैं माला लेके जाऊंगी प्रिया प्रियतम को पहनाने के लिए, पहनने वाले दो। और गुरु सखी माला बनवाई है एक, तो क्या होगा? माल गुथी लाओ पहराओ हर्षाओ इन्हें, माल पहरावत गरे लगामेंगे, मोए माल पहरावत मेरे प्राणों की माला, मेरे भावों की माला, मेरे प्रेम की माला, मेरे लाड़ की माला, मेरे चाव की माला, सौभाग्य की माला, मोए पहरावत माल मेरे लली लाल, मेरे प्रिया लाल, मेरे लली लाल, माला पहरावत गरे लगामेंगे, तब कहा हाल होए गो मेरा, तब कहा हाल होए गो मेरा, मोए गोदीदार सहलामेंगे, तब कहा हाल होए गो मेरा, मोए गोदीदार सहलामेंगे, मोए गोदीदार सहलामेंगे, मोए मेरा मन कहत एक दिन प्यारे, प्यारी सकूच निक जामेंगे, प्यारी सकूच निक जामेंगे, प्यारी सकूच निक जामेंगे, प्यारी
पवाऊंगे उपकार मुखई निकसावेंगे, मैं वीर मुखई पवाऊंगे उद्गार मुखई निकसावेंगे, जब वीर मुखई पवाऊंगे उद्गार मुखई निकसावेंगे, जब वीर मुखई पवाऊंगे उद्गार मुखई निकसावेंगे, कब कहा सुख विश्रामेंगे, त्रिभुवन सुख विश्रामेंगे, त्रिभुवन सुख विश्रामेंगे, त्रिभुवन सुख विश्रामेंगे, गौरदास करुणा की आशा, ऐसी घड़ी दिखावेंगे, कब ऐसी घड़ी दिखावेंगे, कब ऐसी घड़ी दिखावेंगे, कब ऐसी घड़ी दिखावेंगे, मेरा मन कहत एक दिन प्यारे, मेरा मन कहत एक दिन प्यारी के संग आवेंगे, प्यारी के संग आवेंगे, आरत टेर दीन दुखिया की, आरत टेर दीन दुखिया की, सुनत उमग भरी धामेंगे, गही पकड़ी उठावेंगे, बुझ गरी पकड़ उठावेंगे, पिया प्यारी के संग आवेंगे, पिया प्यारी के संग आवेंगे, वह चाल मराल मनोहर बोलन, मुस्कावेंगे, देख देख मुस्कावेंगे, वह पग में रुनक झुनक नूपुर ध्वनि, रुनक झुनक नूपुर ध्वनि, मधुर मधुर झन कामेंगे, मधुर मधुर झन कामेंगे, वह कटी खनकावेंगे, खनक खनक खनकावेंगे, वह चितवन चपल नयन अनियारे, चितवन चपल अनन अनियारे, नैनन सेन चलावेंगे, नैनन सेन चलावेंगे, मोते पूछेंगे तू काहे को रोवती, पूछेंगे तू काहे को रोवती, मोए धीर धरा में
सेवा सौभाग्य दिलावे, सेवा सौभाग्य दिलावे। तब बड़ी मौज होएगी आली, तब बड़ी मौज होएगी आली, गुरु सखियन संग सुख पामेंगे, गुरु सखियन संग सुख पावेंगे, कहूँ माल गूंथ के लामेंगे, कहूँ माल गूंथ के लाएंगे, कभी बीरी अधर पमामेंगे, कभी बीरी अधर पवावेंगे, कभी नाच गाय गुण गावेंगे, कभी नाच गाय गुण गावेंगे, गौरदास करुणा की आशा, गौरदास करुणा की आशा, ऐसे दिन कब आमेंगे, ऐसे दिन कब आमेंगे। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, गुरु प्रेमानंदे प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहां विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्ट प्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।